आज हम नाइन्थ क्लास का ग्रामर स्टार्ट करने जा रहे हैं। इसमें एट्थ तक आपने बेसिक ग्रामर पढ़ा होगा, तो ग्रामर का सेकंड पार्ट है फंक्शनल ग्रामर। और फंक्शनल ग्रामर में सबसे पहले जो नाइन्थ का ग्रामर है उसमें सबसे पहला जो टॉपिक है वो है सेंटेंस। बिफोर सेंटेंस आपने दो स्टेप पहले सीखे होंगे, लेटर एंड वर्ड। लेटर इज द स्मॉलेस्ट साउंड विच कैन नॉट बी ब्रेक, और देर आर टू काइंड ऑफ लेटर, अक्सर जिसको वर्ण हम कहते हैं, वोवल एंड कॉन्सोनेंट। सेकेंड पढ़ा आपने वर्ड, वर्ड की को डिफाइन किया, वर्ड इज ए ग्रुप ऑफ लेटर्स विच गिव्स पर्टिकुलर मीनिंग। तो हमने ये एट्थ तक कंप्लीट होता है कि आपको बेसिक ग्रामर पूरा सीखना होता है, जिसमें बेसिक ग्रामर में पार्ट्स ऑफ स्पीच सारे आते हैं, जैसे काइंड्स ऑफ वर्ड भी उनको बोलते हैं हम, पार्ट्स ऑफ स्पीच, नाउन, प्रोनाउन, एडजेक्टिव, वर्ब, एडवर्ब, प्रेपोजिशन, कंजंक्शन, इंटरजेक्शन, इन सब का डिटेल्ड नॉलेज आपने एट्थ तक ले लिया है। अब नाइन्थ में हम इसके फंक्शन के ऊपर आते हैं, सेंटेंस। अब मेन काम लैंग्वेज का सेंटेंस से चलेगा, इसलिए सेंटेंस को पहले डिफाइन करना है हमने। सेंटेंस इज ए ग्रुप ऑफ वर्ड्स विच मेक्स कंप्लीट सेंस। कंप्लीट मीन्स ग्रुप ऑफ वर्ड्स, तो हम ऐसे भी लिख सकते हैं कि ही, और जैसे सी, दो लिख दिए इकट्ठे तो ग्रुप तो ये भी बन जाता है, बट दिस इज नॉट सेंस। जैसे ईट, हेल्प, दो इकट्ठे लिख दिए, बट दिस इज नॉट सेंटेंस बिकॉज इट हैज नॉट कंप्लीट सेंस। अब जैसे इफ नेसेसरी, ए लॉट ऑफ ग्रुप ऑफ वर्ड्स ये है, बट ये सेंटेंस नहीं है बिकॉज इट हैज नॉट कंप्लीट सेंस। तो इसकी कोई कंप्लीट सेंस नहीं है, इसलिए सेंटेंस की सेंस होती है और वर्ड का मीनिंग होता है। ये लैंग्वेज को सीखने के लिए बहुत जरूरी है। नाइन्थ क्लास के स्टूडेंट्स को ये बहुत अच्छे ढंग से सीखना पड़ता है कि सेंटेंस जो बेसिक है सेंटेंस वो क्या चीज है और उसके कितने टाइप्स हैं, कितने काइंड्स हैं। तो इसके फाइव काइंड्स ऑफ सेंटेंस, assertive sentence, interrogative sentence, imperative sentence, exclamatory sentence and optative sentence. अब assertive sentence को समझना है। assertive sentence में जिसमें assertion होती है, assert means या affirmative है या negative है। जैसे मैं for example this is a duster, it is clear? declarative, इस sentence को हम declarative भी बोलते हैं, this is declaration, this is a duster, and अब मैं बोलूं कि दिस इज नॉट ए डस्टर, दिस इज बोर्ड, तो ये भी डिक्लेयर है कि ये डस्टर नहीं है। तो ये इसमें दोनों आ जाते हैं, अफर्मेटिव और नेगेटिव। अब नेक्स्ट है इंटेरोगेटिव। इंटेरोगेटिव का आपको पता चलता है कि इसमें साइन ऑफ इंटेरोगेशन रहता है, क्वेश्चन मार्क रहता है, तो इससे पता चल जाता है कि ये सेंटेंस जो है इंटेरोगेटिव है। बट इंटेरोगेटिव, देर आर टू टाइप्स ऑफ इंटेरोगेटिव। कुछ जो फर्स्ट टाइप ऑफ इंटेरोगेटिव होते हैं वो हेल्पिंग वर्ब से स्टार्ट होते हैं, जैसे इज, एम आर, आर यू गोइंग, हैज, हैव, हैड, जो भी हेल्पिंग वर्ब्स हैं हमारे उनसे स्टार्ट होते हैं। और दूसरे होते हैं डब्ल्यू एच फैमिली से, व्हाट आर यू डूइंग, व्हाट डू यू वांट। तो इस तरह से ये इंटेरोगेटिव भी आपको पता चल गया। इंपेरेटिव सेंटेंस, इंपेरेटिव सेंटेंस में तीन चीजों में से कोई ना कोई होनी चाहिए, रिक्वेस्ट, ऑर्डर एंड एडवाइस। रिक्वेस्ट, ऑर्डर एंड एडवाइस, इन तीन में से कोई एक चीज होगी तो वो इंपेरेटिव सेंटेंस होगा। बोलने का मतलब या तो बोलने वालों के ऊपर इंप्रेशन होना चाहिए या सुनने वालों के ऊपर। जैसे शट द डोर, ओपन द विंडो, प्लीज गिव मी वाटर। तो इस तरह से इंपेरेटिव सेंटेंस में कहेंगे रिक्वेस्ट, ऑर्डर और एडवाइस। एक्सक्लामेटरी में साइन ऑफ एक्सक्लेमेशन, मतलब इसमें सडन फीलिंग्स। एक्सक्लामेटरी सेंटेंस में हम सडन फीलिंग को एक्सप्रेस करते हैं अपनी, जैसे चाहे खुशी हो चाहे गम हो, सौरो हो या हैप्पीनेस हो,
दोनों का एक्सप्लेन करने के लिए हम एक्सक्लेमेटरी सेंटेंसेस का यूज करते हैं। ऑप्टेटिव का मतलब हुआ, इसमें आती है दो चीजें, विश एंड प्रे, या तो विश होनी चाहिए या आपकी प्रे होनी चाहिए, ठीक है। विश और प्रे, विश मीन्स जैसे आप बोलते हैं हैप्पी बर्थडे, तो वो सेंटेंस किस में है, ऑप्टेटिव में, गुड मॉर्निंग ऑप्टेटिव, और प्रे मे ही लाइव लॉन्ग, गॉड ब्लेस हिम। तो इस तरह से ये हमारे फाइव काइंड्स ऑफ सेंटेंसेस है, इनका आना, इनको सीखना बहुत आवश्यक है आपको। नरेशन और वॉइस आपने जो सीखने हैं, नरेशन में तो बहुत बड़ा रोल है इनका, तो इसलिए आज का वीडियो इस फर्स्ट इसका सेंटेंस के बारे में है। अब सेंटेंस के काइंड्स तो हो गए, बट एक क्वेश्चन है, हाउ मेनी पार्ट्स ऑफ ए सेंटेंस, सेंटेंस के कितने पार्ट्स होते हैं। मैक्सिमम स्टूडेंट्स इसमें कंफ्यूज होते हैं, सेंटेंस पार्ट्स ऑफ सेंटेंस, सेंटेंस के दो ही पार्ट होते हैं, सब्जेक्ट एंड प्रेडिकेट, सब्जेक्ट और प्रेडिकेट, ये दो पार्ट होते हैं। सेंटेंस के तो इसके बाद नेक्स्ट वीडियो जो है वो हम कल नेक्स्ट पढ़ेंगे। नेक्स्ट वीडियो आप देखते रहिए और इस चैनल को लाइक शेयर और सब्सक्राइब करते रहिए। थैंक यू।